हेलो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर कर रही हूँ आपसे दो हेयर रेमेडी जो आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छी है। इसके लिए मैंने एक सीरम और एक ऑयल बनाया है। सबसे पहले मैं सीरम की रेसिपी आपको बता रही हूँ। इसके लिए मैंने कड़ी पत्ता, कलौंजी, प्याज, हिबिस्कस के फूल और पत्ते लिए हैं। एक पैन पे हम एक कप पानी ऐड करेंगे। पानी में हमें सबसे पहले एक चम्मच कलौंजी ऐड करनी है। कलौंजी में विटामिन B1, B2, B3 और फॉलिक एसिड होते हैं। एक चम्मच मेथी दाना, इसमें निकोटीन एसिड्स होते हैं और ये बालों को घने और चमकदार बनाते हैं। इसमें लगभग मैंने 10-20 कड़ी पत्ते, एक बड़ा प्याज इसे मैंने कट कर लिया है और इसमें हिबिस्कस के पत्ते और फूल दोनों को ऐड किया है। इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होते हैं जो बालों को हेल्दी रखते हैं और ये बालों का झड़ना भी बहुत जल्दी बंद कर देते हैं। इन सबको डालकर हमें इसे लगभग 5 मिनट तक पकाना है, जब तक कि हमारा पानी एक तिहाई ना बचे। ये देखिए, ये पानी उबलना स्टार्ट हो चुका है और जितने भी इसके न्यूट्रिशंस हैं वो सब पानी में आ जाएंगे और ये बालों को बहुत ही फायदा पहुंचाते हैं। इसे लगभग हमें 5 मिनट तक पकाना है। 5 मिनट में ही ये बनकर तैयार हो जाता है। यह सीरम बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसे आपको बालों के स्कैल्प से लेकर जड़ों तक अच्छे से लगाकर इसे हमें बालों में 1 घंटा रखना है। इसके बाद इसे किसी अच्छे शैम्पू से हमें हेयर वॉश कर लेनी है। ये देखिए, ये बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे छन्नी की सहायता से हम किसी बर्तन पर निकाल लेंगे और इसे ठंडे होने के बाद ही हमें बालों पर ऐड करना है। हम सारे चीजों को अच्छे से निकाल लेंगे। देखिए, ये हेयर सीरम तैयार हो चुका है। ये बालों को अगर आप इसे एक बार लगाओगे तो ये बहुत ही अच्छा असर डालेंगे और हफ्ते में आप इसे 2 बार यूज कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको हेयर ऑयल की रेमेडी बता रही हूँ। इसके लिए एक पैन पे मैंने मेथी, प्याज, कलौंजी, कड़ी पत्ता को लिया है। अभी हम मैंने गैस को ऑन नहीं किया है। इसमें हम 1/2 कटोरी है कोकोनट ऑयल डालेंगे। कोकोनट ऑयल से बाल बहुत अच्छा होता है। अब हमें कम आंच में इसे तैयार करना है। ये देखिए, अब सारे चीज अच्छे से तैयार हो रहे हैं। इसे हमें कम आंच पे पकाना है। इसे बहुत ज्यादा आंच में नहीं पकाना। जब प्याज का कलर लाइट ब्राउन हो जाएगा तो इसका तेल तैयार हो चुका होगा और हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। बस इसी कलर में जब प्याज आ जाएंगे तो हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। सबको साइड करने से हमारा ऑयल अच्छे से एक साइड पे आ जाएगा और इसे हम छन्नी की सहायता से इसे छान कर इस ऑयल को निकाल लेंगे। शैम्पू करो उससे 1 घंटे पहले इस ऑयल का मसाज अच्छे से करना है। ये देखिए, ये ऑयल बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। इसे हमें बालों में मैं आपको लगाकर दिखा रही हूँ। इसे हमें बालों के स्कैल्प पे लगाना है और इसके अच्छे से मालिश करनी है और फिर हम इसे ऊपर से नीचे तक पूरे बालों में, जड़ से लेकर नीचे तक हम इसे बालों पे लगा लेंगे। बालों में तेल की अच्छी मालिश हो जाए तो इसे हम बालों को अच्छे से बांध कर इसे लगभग 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। ये तेल बालों के लिए बहुत ही हेल्दी होता है और एक आप इसे ट्राई करो और अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल